मेरा नाम चंदन है और मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। नमस्कार, हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता है। मात्र 122.95 रुपये का यह शेयर है। इस शेयर का 52वीं हाई देखते हैं, 52वीं हाई 234 रुपये के आसपास, वहीं 52वीं लो 31 रुपये के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बुक किया था वो 524 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, वहीं इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बुक किया वो 520 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए 65% प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 35% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। 50% के ऊपर हम प्रमोटर हिस्से को हम अच्छा मानते हैं, तो यानी यहाँ पे 65% है जो कि काफ़ी अच्छा है। और प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा है कि नहीं, तो देखेंगे यहाँ पे जीरो है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। जैस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं तो 158 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करेंट मार्केट प्राइस 117 रुपये के आसपास है, वहीं 52वीं हाई 234 रुपये, वहीं 52वीं लो 29 रुपये के आसपास है। कंपनी के पास 73 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जो एक साल का चार्ट देखिए तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं कंपनी ने इस एक साल के अंदर अपने शेयर धारकों को। जिस कंपनी का हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है वो 5 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ 26 लाख का, उसके पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ 57 लाख, 3 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 61 लाख, 83 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 14 लाख, 2 करोड़ 28 लाख और 2 करोड़ 15 लाख। देखिए काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया है इस कंपनी ने हर एक क्वार्टर में। उसके बाद मैं आपको इसका ईयरली प्रॉफिट दिखा देना चाहता हूँ। तो अब देखेंगे इस साल जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वहीं पिछले साल 8 करोड़ का हुआ था, उसके पिछले साल 9 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़। तो देखिए कंपनी कुछ सालों से काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक कर रही है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका रिजर्व दिखा देता हूँ कंपनी के पास। यहाँ पर हम इस कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो देखिए 57 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, वहीं बोरोइंग 73 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बता चुका हूँ, 65% हिस्सा प्रमोटर का है, वहीं 35% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। जिस कंपनी का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट देखिए, YTD का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, इस शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी का नाम है जी हाँ मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। जी हाँ, मात्र 122.95 रुपये का ये शेयर है। इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जितनी भी डिटेल है सब डिटेल ग्रीन में होनी चाहिए, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जितनी भी डिटेल दी गई है सारी डिटेल ग्रीन में। जब भी आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म अथवा शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो आपको एक बार उसका फाइनेंशियल देखना होता है। जी हाँ, मैं आपको अभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसे लेके आता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट मिल जाते हैं, यानी लोगों का एक ओपिनियन जान लेते हैं शेयर के बारे में क्या कहते हैं लोग। देखेंगे यहाँ पे 100% लोग इस शेयर को होल्ड करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये शेयर आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, इसे सब लोग इसे होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे 6 अगस्त 2021 के दिन इसने 218 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद ये शेयर डाउनफॉल में चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद आज के दिन, ठीक है, आज के दिन 30 सितंबर के दिन इसने आज अपर सर्किट लगा चुका है ये शेयर। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें काफ़ी मूवमेंट है आगे जाने के, इसलिए ये शेयर आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो टारगेट निकल के आ रहा है 165 रुपीज़ का। ठीक है, 165 का इसमें फर्स्ट टारगेट आप लगा के चल सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है मान एल्यूमिनियम का तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। थैंक यू गाइस।